प्रयागराज जनपद के घूरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा मनकावर मजरा बैदपुर के रहने वाले शिव मोहन के द्वारा अपने 32 वर्षीय बेटे पंचराज की शादी लड़की से ना करा के लकड़ी का पुतला बनाकर करा दी, क्योंकि पिता शिव मोहन की इच्छा थी कि उनके सबसे छोटे बेटे की शादी उनकी आंखों के सामने हो। पर किसी लड़की के परिजन जब शादी करने के लिए राजी नहीं हुए तो कुल पुरोहित से पूछकर शिव मोहन ने अपने बेटे की शादी पुतले से कराने की सोची, जिसके लिए बेटे पंचराज ने भी पिता की इच्छा में सहमति दे दी। फिर क्या, पूरे धूमधाम से लग्न मुहूर्त में ये शादी वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आयोजित की गई, जिसमें पुतले के साथ ही दूल्हा बने युवक के द्वारा सात फेरे लेते हुए सिंदूर दान भी किया गया और फिर बाद में शादी के उपलक्ष्य में भोज भी आयोजित किया गया। लेकिन इस अनोखी शादी को लेकर पूरे क्षेत्र में काफी चर्चाएं हैं। इसलिए किया हूँ, हमारे पास 9 लड़के थे, 8 की शादी हो चुकी है, ये लड़का 8वां नंबर है, इससे एक से शादी किया हूँ। इनके पास कोई याजात नहीं है, ना बुद्धि से बहुत कमज़ोर हैं, हाँ इनके पास खाने पीने का कोई आई सहारा नहीं है, इसलिए हम ऐसा किया हूँ कि ब्याह मतलब कुमार का उतरवा दें, कल मर जाने के बाद उनकी तिरही बल्कि भाई परिवार है मिल करके उनका कर दें। अच्छा, आपने अपने रिश्तेदारों को भी बुलाया था इसमें? हाँ बुलाया था। तो किस तरह से हुआ है, रीति रिवाज किस तरह से निभाए हैं? जैसे शादी होती है, जैसे दुनिया में शादी होती है वैसा ही हुआ। लकड़ी कपास की लकड़ी फैलाई करके एक चुनरी उभा करके उसे और उसे भंडारी खिलाया गया, पंडित आया और उसे सब किया और खिलाई पिलाई किया। पर पिता की खुशी के लिए बेटे ने भी लड़की से शादी करने के बजाय एक लकड़ी के पुतले से ही शादी रचा ली। नहीं है मातबा उनका।